So, thank you for accepting the invitation in such a short span of time. We'll start with a question with a childhood story. आप अपने बचपन की कुछ स्टोरीज हमें बताइए या ऐसी कोई चीज जब आपको ऐसा लगा कि कराटे किसी ने इंट्रोड्यूस किया आपकी लाइफ में या इट वाज अ सेल्फ मोटिवेटेड थिंग दैट केम. Am I audible to all? Thank you for that. So actually कोई बहुत बड़ी जर्नी नहीं थी कि मुझे पहले से ऐसा लगा था मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है ऐसा कुछ. To be frank and very honest ऐसा कभी नहीं था. मैं हो रही थी बहुत मोटी तो मैंने एज अ फिटनेस कराते ज्वाइन किया और कराते अपने आप में एक ऐसी कला है. कराते मैं सुना था एम्प्टी हैंड्स वे खाली हाथों से लड़ने की कला. सो आई स्टार्टेड विद कि मुझे एक फिटनेस जर्नी के लिए कराते करना चाहिए और फिर धीरे धीरे कराते करते करते मुझे कराते से प्यार हो गया. किस एज में आपने कराटे स्टार्ट किया था? प्रोफेशनली मैंने खेलना स्टार्ट किया है जब मैं 15 साल की रही होंगी और उससे पहले मैंने ऐसे ही सिंपली से सब लोग स्टार्ट करते हैं वैसे मैंने किया था 6 साल. अच्छा. I read in your interview that you belong in short term goals and how do you choose to be a full time karate player? Short term goals in the sense जैसे कि अभी ओलंपिक ले लिए तो ओलंपिक गेम्स जैसे आप सभी जानते होंगे 4 साल में एक बार होते हैं. कॉमनवेल्थ गेम्स ऐसे हो 2 साल में एक बार होते हैं. शॉर्ट टर्म में हमारे हो गए नेशनल चैंपियनशिप इन्विटेशनल नेशनल्स हो गए तो मैं इन्विटेशनल छोटे छोटे टारगेट को टारगेट करके उसके बाद बड़ा गोल सेट करती हूँ कि पहले मुझे क्लियर करना है डिस्ट्रिक्ट फिर स्टेट फिर नेशनल फिर इंटरनेशनल देन ओलंपिक. ऐसे छोटे छोटे जर्नी को करते करते एक बड़ा टारगेट मैंने कैच कर लिया. मतलब आपने स्टार्टिंग में ये नहीं सोचा था कि नहीं कभी भी करना भी नहीं चाहिए करना भी नहीं चाहिए. राइट. आई गेस जब आप स्कूल में होंगे तभी ये जर्नी स्टार्ट हुई थी तो हाँ उस टाइम पे आपके टीचर्स का क्या सपोर्ट था क्योंकि स्कूल में अभी भी स्पोर्ट्स को इतना ज्यादा हाइप नहीं देते एज कम्पेयर टू स्टडीज. तो वहाँ पे फ्रेंड्स हैं स्टूडेंट्स हैं वो किस तरीके से आपको हेल्प करते थे Your first victory gold medal was at All India Open Karate Championship Orissa. Orissa, yes. So, उसकी कोई memory like वो तो आपका first gold medal था तो उस time पे आपके actually because it was invitational national, ये official national नहीं था. Okay. तो ये एक official national से पहले का एक step था जहाँ पे मुझे एक explore के लिए गई थी मैं match exposure के लिए. किस age में गए थे? Actually, okay. आपकी मम्मी कहती थी कि ये तो मेडल के पहले वाला मेडल है like regarding the wounds and all that you get. So आपकी मम्मी के साथ कैसी जर्नी थी like how did she supported as a woman? So being a martial art player, fortunately or unfortunately, we always welcome the injuries towards us. तो आपको जब वो इंजरीज होती है तब ऐसा लगता है कि कोई है नहीं हमें अकेले उसे फेस करना है वो दर्द वो उस टाइम मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है. तो मम्मा कह रही थी ये मेडल से पहले वाला मेडल है तो कोई बात नहीं है देख मैनेज कर. सो योर फैमिली हैज ऑलवेज बीन योर सपोर्ट. ओके आप अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताएंगे लाइक
फैमिली बैकग्राउंड था आपका, जैसे आर्मी लाइफ, आर्मी फैमिली थी, तो क्या उस पर आर्मी लेना ही, गोट रिटायरमेंट फ्रॉम द आर्मी, सो पापा का वो जो आर्मी ब्लड है, वो आर्मी क्या बोलेंगे स्ट्रक्चर है, वो आर्मी का जो मेंटेलिटी है, वो सारी अकेली बच्ची में हुआ करती थी। तो आप लोगों ने दंगल देखी है तो मुझे कोई सच में खिलौने नहीं मिले। मुझे वो पापा का फ्रस्ट्रेशन ही मिला कि हाँ बेटा कर लो कुछ अच्छा स्पोर्ट्स। इन योर कंप्लीट जर्नी कोई इंस्पिरेशनल पर्सन आपको ऐसा मिला हो, या कोई ऐसा एंटिटी जिसने आपको बहुत इंस्पिरेशन दी हो अक्रॉस, जहाँ से आपने जर्नी स्टार्ट करी वहाँ से लेके आज तक? समय के साथ जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं बहुत सारे लोग आपको मिलते हैं। तो तब से लेके आज तक जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, मेरे जो कोच हैं, मेरे ग्रास रूट कोच, मेरे बेसिक कोच, एडवांस कोच, वो एक ही रहे फॉर्चुनेटली। वो अभी प्रेजेंटली इंडिया टीम के चीफ कोच हैं, सेंसी जयदेव शर्मा सर। तो वो हमेशा रहे हैं, हाँ वही है अभी तक। वही है आपकी उनके साथ बॉन्डिंग कैसी थी? लाइक डांटते भी होंगे वो जब आप? डांटना तो बहुत छोटी चीजें मारते थे। ओके, और कोई आपकी ऐसी कोई ऐसा इंसिडेंट जो उनके संग आप हमारे संग यहाँ पे शेयर करना चाहते हो, दैट माइट बी एन इंस्पिरेशन और एज अ लेसन? या एक्चुअली हमारा 3 मिनट का गेम होता है जो मेडल बनता है। तो 3 मिनट मतलब बहुत शॉर्ट टाइम होता है, एक एक सेकेंड वैल्यूएबल होता है। तो जब मैं स्कोर से पीछे चलती हूँ, मेरा पाकिस्तान के साथ चैंपियनशिप थी, वो आप लोगों को नेट पर भी मिल जाएगा। तो पाकिस्तान आर्मी के साथ मेरा मैच था सब चैंपियनशिप, तो मैं 4-0 से पीछे चल रही थी। I was at 0 and she was on 4, she was leading at the time. तो मैंने सबको ऐसे पलट कर देखा और सर ने मुझे बस इतना इशारा किया, टाइम टाइम था सिर्फ 40 सेकेंड्स। तो अब ऐसे टाइम में कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैंने जब उनको देखा उन्होंने स्ट्रे का टाइम है पेशेंस को कवर कर, और मैंने वो मैच जीता 6-4 से। आप जब परफॉर्मेंस कर देती हैं उसके पहले आप पंजाबी सॉन्ग या हरियाणवी सॉन्ग सुनते हैं, तो उससे आपको क्या मतलब क्या मिलता है, लाइक कैसे इंस्पिरेशन मिलती है या एनर्जी? आप डाइवर्ट हो जाते हो, एक टूर्नामेंट का जो प्रेशर रहता है उससे डाइवर्ट हो जाते हो। हिंदी सॉन्ग्स क्यों नहीं, पंजाबी सॉन्ग्स ही क्यों? किक मिलता है, म्यूजिक अच्छा है, साउंड अच्छा है, किक मिलता है। ओके, आपकी फेवरेट मूवी जो है द कराटे किड? या ऐसा मैंने पढ़ा था, और भी मूवीज हैं, तो ऐसा क्या हमारे स्टूडेंट्स को आप सजेस्ट करेंगे कि वो मूवी देखनी चाहिए, या ऐसा क्या है उस मूवी में? मैं तो ये कहूँगी आप कोई भी मूवी देख लो अगर आपको इंस्पायर करती है, दैट्स इट। मुझे वो मूवी इंस्पायर करती थी इसलिए मेरे लिए अच्छी थी, जरूरी नहीं है वो किसी और के लिए भी अच्छी हो। अगर किसी को हम आपके कौन देखकर इंस्पिरेशन मिलती है तो कम ऑन गो अहेड विद दैट, क्या प्रॉब्लम है। आपने ईरान और जापान जैसी वर्ल्ड लीडिंग कंट्रीज के साथ भी कम्पीट किया है, और आप उनसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म मतलब विनिंग सिचुएशन था। तो उस टाइम पे जब आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे इन कंट्रीज के सामने और आपने जीता, तो उस टाइम पे क्या मोमेंट था, मतलब आप प्राउड फील करा या कॉन्फिडेंट फील था? अच्छा, एक्चुअली होता क्या है, जैसे ही हम जैसे मैं यूएस में गई तो मुझे पता चला कि मेरा फाइनल यूएस है। okay. तो आधी रगदग तो वहीं शुरू हो जाती है कि होस्ट कंट्री है यूएस है, तो आपका जो आधा प्रेशर में आ जाता है यही सोच के कि यूएस से कॉम्पीट करना फाइनल राउंड है, होस्टिंग कंट्री, तो सपोर्ट तो डेफिनेटली मिलना ही मिलेगा। तो ऐसे जो कि हमारे एशियन डोमिनेटिंग कंट्रीज हैं जिसमें जापान तो ऑब्वियसली हर स्पोर्ट्स में अच्छा है, अब ईरान भी अच्छा होने लगा है, तो हमारे अभी तक हमारे गेम में किसी ने जापान और ईरान को हराया नहीं है, फीमेल में तो किसी ने नहीं हराया, सो आई वॉज द ओनली वन दैट टाइम। तो वो फ्लैग देख के ना, यहाँ पे हमारा फ्लैग लगा होता है, तो जब वो फ्लैग देखते हैं, जब अनाउंस होता है ना सुप्रिया चाटा आका फ्रॉम इंडिया एंड व्हाटएवर सोसो गर्ल इज फ्रॉम ईरान, तभी वो धक 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 शुरू हो जाती है कि हाँ क्या है। बट मैं उस चीज को फोकस नहीं करती कि फ्लैग कौन सा है, कंट्री कौन सा है, मुझे ये लगता है कि नहीं मुझे मैच जीतना है, मुझे खेलना है अपने लिए। पहले मैं अपने लिए खेल लूँ तो कंट्री तो अपने आप आ जाएगी, ऐसा मैं नहीं मानती कंट्री के लिए खेलो, ये खेलो वो खेलो, अपने आप के लिए खेलो, सब कुछ अपने आप हो जाता है, अपनी मेहनत के लिए खेलो। मुझे ऐसा लगता है मैं हारती हूँ तो मेरा पूरा एक साल पूरा खत्म हो जाता है उस 2 मिनट में, तो मुझे वो एक साल की वैल्यू करनी होती है। दर्शन वो मैं 2020 तो आपका जीरो ईयर ही गया होगा, 2020 कोविड, हाँ कोविड की वजह से नहीं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें सीखी है मैंने उस टाइम, जब जितने भी इंटरव्यूज हुए
तो मेरा एक इंटरव्यू था जिसमें एक क्रिकेटर है, फेमस क्रिकेटर पर्सनालिटी है, तो उन्होंने इंटरव्यू किया था। तो मैंने हम लोगों ने एक ही जो जितनी भी स्पोर्ट्स कम्युनिटी है हम लोगों ने एक ही चीज़ की थी, कई बार जब आप एडवांस जाते हो इंटरनेशनल लेवल पर परफॉर्म करते हो तो अपने बेसिक्स भूल जाते हो। तो ये वो टाइम था जब हम अपने बेसिक को रिवाइज करते हम योगा की तरफ चले गए थे, जो अपनी अब मुझे ऐसा लगता है कि ये एक रेस्ट मिल गया ना, तो आगे आने वाले परफॉर्मेंस इतने भी, अभी मेरा न्यूयॉर्क ओपन है, ओलंपिक क्वालिफिकेशंस भी है, अभी सब कुछ बहुत अच्छे हो जाएंगे। नहीं बिल्कुल बेकार नहीं है। आपने मेरे से कहा कि जापान लीडिंग है हर स्पोर्ट्स में, तो जब आपने उनके साथ कम्पीट किया तो आपको ऐसा क्या लगा कि जो हमारे इंडिया में मिसिंग है इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स, या उनमें इतना हाइप है कि वो हर स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हर चीज में आगे है, तो कहाँ पे किस लेवल पे हमारे इंडिया को वर्क करना चाहिए आपके नजरिए से? अच्छा अगर ऐसा है तो थैंक गॉड जापान क्रिकेट नहीं खेलता। ओके जितनी भी लीडिंग स्पोर्ट्स कंट्रीज है ना वो कोई क्रिकेट नहीं खेलती, आप लोगों को शायद पता हो। यूएस इतना बड़ा, यूएस की कोई क्रिकेट टीम नहीं है, तो इंडिया में वो वही है कि एक सारे गेम्स को क्वालिटी नहीं दी गई, एक कोई रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। अभी थोड़ा बहुत होने लगा है, तो अभी कराटे उस नजरिए से, उस नजर से बहुत दूर है। तो बस यही कभी कभार लगता है कि सारे स्पोर्ट्स को एक इक्वालिटी मिले, एक अच्छा रिस्पेक्ट मिले, तो ये चीज थोड़ी बुरी लगती है, थोड़ी ज्यादा बुरी लगती है मुझसे। ओके सो अभी आप डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के संग वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ पे फीमेल भी आती होंगी लाइक गर्ल्स या स्कूल्स कॉलेजेस से, तो उनका क्या मतलब रिस्पॉन्ड रहता है? आर दे टोटली डेडिकेटेड या वो लिटरली सीखना चाहते हैं? ये जो अकेडमी है ये डायरेक्टली तो गवर्नमेंट बेस्ड चलती है, तो यहाँ पे होता ही है 4 दिन का सिलेक्शन होता है, इंडियन टैलेंट सर्च होता है, तो 4 दिन के सिलेक्शन के बाद कोई प्लेयर पर्टिकुलर उस इवेंट के लिए सिलेक्ट होकर इस अकेडमी में आता है। तो ऐसे कंडीशन में कोई आ रहा है तो ऑब्वियसली एक अच्छा स्ट्रॉन्ग व्यू लेकर ही आता है, तो उसके बाद भी आने के बाद भी बहुत सारी चीजें होती है, ट्रेनिंग होती है, टफ ट्रेनिंग होती है मुझसे, तो उसको जो मैनेज करके निकल जाता है वो आज आपके सामने बैठा है दर्शन। तो मतलब आपको ऐसा लगता है अपने मध्य प्रदेश से भी बहुत सारे फीमेल कराटे प्लेयर्स निकल सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और अगर यहाँ एक में से बैठे कोई भी अगर इंस्पायर होकर के कराटे ज्वाइन करना चाहता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? ये मुझसे कोई पूछेगा यहाँ पे तो मैं डेफिनेटली बताऊंगी। ओके हाँ आई गेस ये क्वेश्चन मैंने आपसे कर लिया है, लाइक एनी अदर स्पोर्ट्स क्रिकेट फुटबॉल उनको इतना हाइप मिलता है, कराटे इज नॉट दैट हाइप, मानसिकता है कि इंजरीज और फिर रेसलिंग बॉक्सिंग में ये कुछ लोग बहुत ज्यादा आगे निकल गया, फिर क्या होता है उन्होंने अपने आप को पहले प्रूव किया है, देन वो मीडिया कवरेज मिलता है, तब सब लोगों तक आता है। मीडिया कवरेज से आपका मतलब लाइक क्या रिस्पांस रेट मिलता है एज अ कराटे प्लेयर? आप जब कुछ अच्छा अचीव करते हो तो डेफिनेटली आपको सारा कवरेज मिलता है, बट उसके लिए आपको पहले बहुत ज्यादा अच्छा अचीव करना पड़ता है। अभी ये एक नेशनल लेवल पे प्लेयर अचीव करता है तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको भी मिल जाना चाहिए, कई बार लोग नेशनल के गोल्ड के बाद ही डाउन हो जाते हैं कि उनको वो कवरेज, वो पोटेंशियल है उनमें लेकिन उनको वो सब कुछ मिला नहीं जो उनको आगे ले जा सकता था। तो मुझे लगता है मैं कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग रही थी, मेरे पास अच्छे सपोर्ट होंगे, अच्छे कॉन्टैक्ट्स होंगे, तो मैं वहाँ तक बढ़ गई, लेकिन उससे पहले भी जो प्लेयर्स हैं उनको भी मिलना चाहिए, दस बड़ा से कि उनको भी एक किक मिलनी चाहिए। ओके सो What is your mantra for success and as well as for failure? Like life में जब success होता है तब कैसे balance out करना चाहिए? और अगर situation failure की तरफ है तो भी हम खुद को कैसे sort कर सकते हैं? कोई भी mantra हो हर situation में काम करे ये जरूरी नहीं है। तो मुझे हमेशा एक ही चीज लगता था कि मैं हमेशा ये बोलती थी जैसे मेरा मैच चल रहा है, मैच में मैं 3-0 से आगे हूँ तब मैं कभी खुश नहीं होती थी, मैच में जब मैं 3-0 से पीछे हूँ तब मैं कभी स्ट्रेस में नहीं आई, जब मैं फाइनली वो मैच जीत गई ना तब मैं एहसास करती थी कि हाँ मैं जीत गई हूँ।
तो बहुत जल्दी खुश नहीं होना है और बहुत जल्दी गिव अप नहीं करना है जब तक फाइनली अचीव नहीं करना. दैट्स व्हाट आई एम ऑलवेज डूइंग. यही मैं कर रही हूं. और एक अचीवमेंट के बाद उस चीज पे रिलाय नहीं करना. मैं पोडियम पे चढ़ती हूँ, फ्लैग लेती हूँ, हमारा नेशनल एंथम बजता है, जैसे उस पोडियम से उतरती हूँ, बेसिक जीरो पे आ जाती हूँ वापस. So, how do you see yourself if in case without karate? मतलब अगर karate ना रहे तो how do you see yourself? बहुत सारी चीजें karate से सीखी हैं. मैं अगर karate नहीं होगा तो I'm a good dancer. I'm a good contemporary dancer. मैं sports modeling करती हूँ. मैं gymnastics मुझे बहुत पसंद है और मुझे जो कुछ sports हैं जो भी India में introduce हुए हैं जैसे कि जो adventure sports होते हैं मुझे करने में बड़ा मजा आता है. जब भी college जाती हूँ मैं इंडियन गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए परमिशन नहीं दे रही है बट आने वाले टाइम में वो भी जैसे आप एडवेंचर स्पोर्ट्स होने लगे लोग जाते हैं. पहले बहुत डरते थे हम इस पता नहीं डरते क्यों हर एक चीज़ से. जब किसी दूसरे को करते हुए देखते हैं तो इंडियंस पर पकड़ते हैं हम वो चीज़ करेंगे लेकिन कोई और चीज़ में जहाँ पर डेयर की जाती है थोड़ा सा पीछे हटते हैं. अच्छा कराटे एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस लाइक आपकी भी काफ़ी लंबी जर्नी. How do you see yourself as while you grew up with karate? So, आपका confidence level किस तरीके से increase हुआ? How do you see like कि क्या connection है? Confidence दूसरा होता है या कभी low भी होता होगा? So, क्या situation उसका? Actually, जब आप कुछ अच्छा करते हो, special करते हो और जो आपको अच्छा लगता है वो करते हो. जैसे आपको अच्छा लग रहा है kickboxing, आप कर रहे हो boxing, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा. आप confident feel ही नहीं करोगे. मुझे ऐसा लगता है जो आपको अच्छा लगता है और आप जो करना चाहते हो अगर वाकई वो कर रहे हो तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है. तो मुझे जो पसंद है वो मैं कर रही हूँ तो कॉन्फिडेंस मुझे लाना नहीं पड़ता अपने आप आ जाता है. और सेल्फ डिफेंस और कराटे इसको आप कैसे देखते हैं? अच्छा जैसे सेल्फ डिफेंस है मुझे काफी सारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज या हर जगह मुझे बुलाया जाता है सेल्फ डिफेंस में प्लेयर्स को सिखाने के लिए या फिर जो नॉर्मल गर्ल्स है जो नॉन एथलीट पर्सन है कि आप सेल्फ डिफेंस करो. तो मुझे सबसे पहले यही कहती हूँ मान लो आपको कोई लड़का छेड़ते आप क्या करोगे? लिटरली लड़कियाँ हंसने लगती है ओ कम ऑन मैंने यहाँ जोक नहीं सुना है मैं आपसे पूछ रही हूँ क्या करोगे? तो अब वो कहते हैं अब हम क्या करेंगे? कम ऑन आप मुझे बोलो आप क्या करोगे आपको बताओ. ट्रस्ट मी बस चिल्ला भी नहीं सकते कुछ मत सबसे पहले आप चिल्लाना सीखो. उनको अपनी नॉर्मल वॉइस से बस माथक ही बोलना आता है चिल्लाना नहीं आता उन्हें. तो मैं सबसे पहले उन्हें चिल्लाना सिखाती हूँ. वो चिल्ला लेते हैं ना तो वो अपने कॉन्फिडेंट फील करते हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि हाथ से किसी को मारना पैर से किसी को मारना इज वेरी डिफरेंट वेरी पॉर थिंग. सबसे पहले कॉन्फिडेंटली ना उसमें चिल्ला दो वो बड़ी बात है. ओके आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट था This will be a last question. इसके बाद अगर आप हमारे students को कुछ motivational कुछ कहना चाहते हैं तो वो your message to our students and all the people sitting over here. As a woman, आप कराटे में थी तो बहुत सारी अच्छे positive situations भी आएंगे negative situations भी आएंगे. तो आपने उन चीजों को balance out कैसे किया? Like every हमेशा कोई भी graph एक phase में नहीं चलता. Ups and downs आते हैं. So, उस टाइम में आप तो अकेले थे इतने बड़े बड़े जगहों पे गए US, China, Japan, everywhere. So, as an individual, because you were karate player, तो एक कॉन्फिडेंस तो था. लेकिन उन चीजों से आपने कोप अप कैसे किया? क्या होता है समटाइम्स मैं इंसान हूँ हर कोई अगर कोई ये बोल रहा है ना मैंने आज तक कभी डाउन फील नहीं किया तो मुझे लगता है वो झूठ बोल रहा है. हर किसी के लाइफ में टाइम जरूर आता है जब वो डाउन फील करता है. तो मुझे ये इतना पता था कि डाउन तो मैं फील करूंगी लेकिन किस लेवल तक का फील करूंगी वो मुझे पता था कि इतना भी नहीं करूं कि मैं खत्म ही हो जाऊं. तो बस वो सोच में लेकर चलती थी. डाउन ऑब्वियसली डाउनस आता है ग्राफ डाउन होता है बट अगर आप जैसे मेरा एथलीट परफॉर्मा देखेंगे मेरा रेज्यूमे देखेंगे तो मेरे सारे ग्राफ सी हुए अचीवमेंट लेकिन मेंटल कभी नहीं था. मेंटल ऐसे अप एंड डाउन थे ऑलवेज फिजिकली थे क्योंकि इंजरी आती थी ऑपरेशन बहुत सारे हैं बॉडी में. तो
इंजरी की वजह से मुझे ऐसा लगता है ये चीज मैंने पर्सनली फेस की है कि इंजरी की वजह से मेंटली आप भी कभी नहीं होते, लेकिन अगर मेंटल वीक हो डेफिनेटली वो चीज आपको अफेक्ट करेगी। ये तो हाँ, मैं अपने आप को इतना मैंने एक दे रखा था कि सुप्रिया तुम्हें इस लेवल तक का डाउन जाना है, इस लेवल तक का आप जाओ, इसे नीचे नहीं जाना है। जब आप डाउन जाते थे तो हाउ डिड यू बूस्टेड योरसेल्फ अप बैक टू द मैं अपने फाइट टूर्नामेंट देखती थी, अपने मैच देखती थी, वीडियोस देखती थी, जैसे आज ही इंटरव्यू चल रहा है इंटरव्यू देखती थी, तो अपने आप मुझे बूस्ट कर दिया, सेल्फ मोटिवेशन सब कुछ। दैट्स नाइस। सो अब यू कैन लाइक हैव द माइक, यू हैव द माइक अगर anybody किसी के पास कोई questions हैं जो मैम से करना चाहते हैं, they can come forward, आगे आकर के पूछ सकते हैं। Anyone? मैं ये पूछना चाह रहा था मैं कि क्रिकेट और कराटे भी ऐसा तो नहीं है कि क्रिकेट में जो है मारपीट नहीं होती है, कराटे में मारपीट होती है, इसलिए ना पसंद करते हो लोग? मुझे ना ये जो सेशन होता है ना ये सबसे अच्छा लगता है, जब लोग मुझसे ऐसे इन पब्लिक क्वेश्चन करते हैं। तो ये आदर्श क्वेश्चन है, क्या होता है मैंने अभी पहले ही कहा कि वो डर जाते हैं, डर लगता है मार्शल आर्ट को लेकर, डर लगता है। और सबसे बड़ी बात है अगर मान लीजिए डर भी लग रहा है, जब पता है कि यार एक बार मार भी लगेगी, एक बार इंजरी भी होगी, बड़े बार अचीवमेंट मिल जाएगा, तो बहुत अच्छा नाम हो जाएगा, सब लोग जानेंगे, एक वेल रिकॉग्नाइज फेस बन जाएंगे। जबकि क्रिकेट में वो है, आप समझ रहे हैं, क्रिकेट में वो है, बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनको इंजरी हुई है, लेकिन क्रिकेट लोग फिर भी करते हैं। तो डर उस चीज का नहीं है, डर कहने का ये है कि रिकॉग्निशन नहीं मिलेगी, नाम नहीं मिलेगा, फैन नहीं मिलेगा। बोलते हैं क्रिकेट में तो तुक्का भी लगता कोई भी चीज डायरेक्टली सुधरती नहीं है, या आज आप और हम लोग है ना यही चीज को पहले इनिशिएट करते हैं सुधारने के लिए, राइट? तो सबसे पहले आप लोग खेलना शुरू कीजिए, आप लोग अचीव करना शुरू कीजिए, गवर्नमेंट विल डेफिनेटली हेल्प यू बैक। मैम कराटा कैसे ज्वाइन करेंगे? कैसे ज्वाइन करेंगे, आपके नियर बाई कोई भी सेंटर हो, अच्छा कराटे क्लास हो, तो एक बार आप पता कीजिए और आप सिंपली ज्वाइन कीजिए। चैंपियन है आज आप सबके बीच, और ये जोश होना चाहिए कुछ क्वेश्चंस पूछने के। कोई और जो क्वेश्चन पूछना चाहता है जल्दी रेज योर हैंड। हां सभी सी यूनिवर्सिटी के अलग-अलग। ओके आपकी नजर में सबसे बेस्ट एज कौन सी है अगर कोई कराटे ज्वाइन करना चाहता है, जब आपकी समझ शुरू हो? मैम मेरा क्वेश्चन है कि अगर मैं कराटे ज्वाइन करता हूं तो कितने समय में आपका टैलेंट कितना है, ग्रास्पिंग पावर कितना है, वो डिपेंड करता है सर। ऐसे नहीं बोल सकते कि आप कब सीख लेंगे, अगर आप कोरी से भी पूछेंगे तो ये बोलेगा आप अभी भी सीख रहा हूँ, मैं तो बोलूंगी। First of all, thank you so much. Ma'am, you are truly an inspiration. Ma'am, मेरा एक question था कि किसी भी चीज़ में अच्छा होने के लिए perseverance होना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपना perseverance कैसे रखते हैं? आप इतने consistent कैसे रखते हैं? जैसे कि मैंने बोला, जब मैंने actually हमारे यहाँ सबसे tough category है -55। तो
तो क्या हुआ, जब मैं एमपी आई और मैंने सीनियर खेलना स्टार्ट किया तो देयर वाज 50 61 68 प्लस 68 55 खाली था, तो मुझे ऐसा गिफ्ट दे दिया, लो आओ और 55 खेल लो। मैंने कहा ठीक है, खेलने मिल रहा है। बाद में पता चला कि वो कैटेगरी इतनी टफ है कि कोई भी एक प्लेयर कंटिन्यूस कैटेगरी में चैंपियन नहीं हो पाया, इसलिए वो कैटेगरी खाली थी, तो मुझे दे दिया। और मैं जब फर्स्ट टाइम सीनियर मैंने खेलना स्टार्ट किया उस कैटेगरी में, तो मैं सेकंड रनर अप थी, मतलब मेरा सिल्वर मेडल था। तब मुझे बोला कि इस कैटेगरी को छोड़ दो, तो मैंने कहा नहीं करना है तो इसी कैटेगरी में करेंगे। तो मेरा फर्स्ट गोल्ड आया, तो लोगों ने मुझे कहा तुक्के से आया, मैंने बहुत मेहनत की थी, लेकिन लोगों ने मुझसे कहा, मुझे अप्रिशिएट करने की जगह कि तुक्के से आ गया। उस दिन मैंने डिसाइड किया कंटिन्यू रहूंगी, तब तो बोलेंगे। तो आज कम से कम 11 साल हो गए मैं कैटेगरी में कंटिन्यू, मैं वो टाइटल ले रही हूँ, अब कोई नहीं बोलता, गलती से भी नहीं बोलता। यार मैं बहुत आलसी हूँ, मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैंने बहुत सुपर अचीवमेंट किया, तो मैं बहुत आलसी हूँ। मुझे ऐसा लगता है जो प्रायोरिटी बेस्ड वर्क है वो कर लेना चाहिए, कल के आपको ही प्रॉब्लम होगी तो कर लेना चाहिए। Hello ma'am, good afternoon. Yeah. Myself Nimish Bangar from Ayurveda Stream, BAMS. Ma'am, मेरा question ये है, हम लोग इस era में रह रहे हैं जहाँ पर cricket में थोड़ा सा भी कुछ कर लेते हैं तो बहुत अच्छा fame, name मिल जाता है। IPL में बहुत सारे ऐसे बच्चे भी खेल रहे हैं, मतलब जो literally अभी अपनी उस phase में है, जब तक मतलब बहुत सारा कुछ कर लेने के बाद भी दूसरे streams में या दूसरे fields में अपना नाम नहीं मिलता, भले आप कितना भी काम कर लो। तो इतना कुछ पा लेने के बाद भी अगर क्रिकेट से कंपेयर करते हैं तो बहुत, मतलब बहुत कुछ कर चुके होते हैं लेकिन उतना नाम नहीं, तो उस फील्ड में फिर लोग इंटरेस्ट नहीं लेते कि यार इसमें नाम नहीं है तो इसमें जाए क्यों। बच्चे भी जो है वो सिर्फ क्रिकेट 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 या फुटबॉल, फुटबॉल में जाना हो तो रोनाल्डो और मेसी, और क्रिकेट में जाना हो तो धोनी और विराट कोहली, तो उसके अलावा फिर लोगों को कुछ दिखता नहीं है। तो अब आपने इतना कुछ कर लिया है, इतना अच्छा नाम कमा लिया है आपने, फिर भी अगर आप randomly एयरपोर्ट पे अगर जा रहे हो तो आपको इतना recognition नहीं मिलता, तो मैम इसको आप कैसे डील करते हैं और इसके लिए आपका क्या? First of all वो है ना, आप कितने भी अच्छे IPL player क्यों ना हो, आपको state excellence award नहीं मिलता। तो इतने सारे बहुत well known persons हैं जो आज IPL player हैं, लेकिन उनके पास state excellence award नहीं है। और सिर्फ इंडिया में सिर्फ MP ऐसा state नहीं है, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। और IPL players में भी आप उनको ही जानते होंगे जो आउट ऑफ द वे जाके अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, राइट। अच्छा रही बात दूसरी चीज़ की, जो आप बोल रहे हो ड्यू रिकॉग्निशन, नॉट विद कराते हैं ओनली, वो बहुत सारे स्पोर्ट्स में है, क्या वो टेबल टेनिस हो, ओलंपिक में इतनी बड़ी टीम जाती है, शायद आपको पता नहीं होगा 62-65% की टीम जाती है, कितने लोगों को आप जानते हैं, हर चार साल में जाती है, नहीं जानते है। तो ये थोड़ा सा एक है जो मीडिया कवरेज की कमी है, शायद वो पूरी होनी चाहिए थ्रू द मीडिया, थ्रू द सेंट्रल मिनिस्ट्री। आप इसको कैसे डील करते हैं पर्सनली? मैं ये डील करती हूँ, जो मेरे हाथ में है मैं उसको सबसे पहले अचीव करने की कोशिश करती हूँ। मेरे हाथ में है कि मैं अपना बेस्ट परफॉर्म करूँ, दैट्स व्हाट आई एम डूइंग, और जो दूसरों के हाथ में मैं उसकी बात ही नहीं करती। थैंक यू मैम, नेक्स्ट। कहते हैं ना कि हर एक जो बच्चा होता है उसके अंदर एक खेल छुपा होता है, और कोई ना कोई स्पोर्ट्स उसका जरूर फेवरेट होता है, तो शायद कराटे स्टूडेंट्स का यहाँ फेवरेट रहा होगा, जो अपनी ड्रीम्स को अचीव नहीं कर पाए, आज वो यहाँ मैम से कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। प्लीज वो गर्ल जिनने हाथ उठाया था वो प्लीज आगे आ जाइए, वहां तक रेंज नहीं आएगा शायद माइक का, प्लीज आगे आ जाइए। आपने हैंड रेज किया था, कोई और जो क्वेश्चन करना चाहता है? इट्स नॉट अबाउट कराटे ओनली। सबसे पहले तो मैं सुप्रिया जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि कराटे जैसी एक विधा में जहाँ पर भारत का नाम नहीं है इतना उन्होंने नाम किया, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। जब भी बात कराटे की आती है तो हम चाइनीज या जापानीज को देखते हैं और वो साइलेंट टेंपल और वो मूवीज देखते हैं जिनमें कि वो सब चीजें, तो क्या ऐसा कोई डिफरेंस है ट्रेडिशन में जो वहां पर, जैसे आप कराटे की मूवी की बात कर रहे हैं वो भी उसमें भी जैकी चैन ही है, तो ऐसा कोई ट्रेडिशन आपने देखा होगा वहां पर इस तरह के जो कराटे में मतलब उनको ट्रेनिंग देते हो या कुछ है, वो हमारे यहाँ नहीं है, ऐसा कोई डिफरेंस हो तो प्लीज। अगर मैं यहाँ पर बैठ के ये पूछूंगी ना कि आपको एमपी का डोमिनेटिंग गेम पता है, तो बहुत कम लोग होंगे जिनको पता है। एनीबडी, किसी को पता? हर एक स्टेट का एक पॉपुलर गेम होता है। सो ग्रेट कि आप लोगों को पता है। मलखम्ब इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड जिम्नास्टिक एंड कराटे, इतना अमेजिंग गेम है सर,
कि बहुत सारे लोग इसको करने की हिम्मत कर ले वही बड़ी बात है, अचीवमेंट करना तो लाना तो बहुत बड़ी बात है। तो जैसे कि आप बोल रहे हैं ये डिपेंड करता है, ये बिल्कुल ऐसा है, जापनीज है उनको पता है कि हाँ कराते ओरिजिनेटेड है हमारे यहाँ से, तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, उनको पता है कि हमारी आन मान शान है ये चीज़। चाइनीज है, पर्शियंस हैं, इनको पता है कि मार्शल आर्ट उनके खून में है। तो ये जो ओरिजिन था, आपको बताना चाहूँगी कराते जो था वो इंडिया से ही निकला है, लेकिन हम इसे अच्छे से पकड़ नहीं पाए, ये दूसरे कंट्रीज में गया, उन लोगों ने इसको पकड़ लिया। जैसे कि बौद्धिज्म हो गया, श्रीलंका में कराते बहुत अच्छा है, दूसरे जो कंट्रीज है जापान जो आप बड़ी बड़ी कंट्रीज की बात करते हैं कराते बहुत अच्छा है, इनफैक्ट यूरोप में भी बहुत अच्छा है। तो उन लोगों ने इसको पकड़ा, इसको समझा, उनको पता चला कि नहीं मार्शल आर्ट मोबिलिटी अच्छे हैं, फंक्शंस अच्छे हैं, जरूरी नहीं आप अचीवमेंट के लिए करो, आप अपनी पर्टिकुलर अपने पर्सन जैसे कि पर पर्सन टू पर्सन अपने फिटनेस के लिए भी कर सकते हैं ना। नेक्स्ट एनीबॉडी वांट्स टू आस्क क्वेश्चन? बहुत देर से सोच रहा था कुछ पूछो, पर मुझे लगा सब पूछ ले उसके बाद पूछता हूँ। मैम बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपने बताई, आपने बताया आप स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया आई मीन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आप एज अ प्लेयर अपने आप को कैसे कैरी करते हैं, आप मीडिया से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, पर आप ये बताइए कि हम ऑनलुकर से, हम फैंस से जो कि कराटे देखना चाहते हैं, आपको परफॉर्म करते हुए देखना चाहते हैं और भी दूसरे स्पोर्ट्स को देखते हैं, सब समझते हैं, सीखते हैं, आप हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं और ऐसी क्या कमी हम छोड़ रहे हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि क्रिकेट वहाँ है और कराटे और दूसरे गेम से यहाँ पे? Wow, this was really an amazing question. मैं इतनी जगह गई पर कभी ऐसा question नहीं मिला मुझे. Please clap for me. देखिए मैं चीज का जवाब देना भी मेरे लिए बहुत okay, so पर्सन टू पर्सन हर एक चीज की कमी है, जैसे आपने मुझे बोला मिनिस्ट्री से, तो हम यही मिनिस्ट्री से तो हम फिर भी बोलते हैं आज हमारे यहाँ एशियन गेम्स हो रहे हैं, सैफ गेम्स हो रहे हैं, हम लोग गेम्स में जाते हैं, हम लोग को अच्छा स्कॉलरशिप मिलता है, स्पॉन्सरशिप मिलता है, फेम भी मिल रहा है, हर एक चीज मिल रहा है। रही बात एक पर्टिकुलर एक ना जो आपने कहा कि आम पर्सन की हम क्या कर सकते हैं, मैं इतना ही बोलूँगी अगर कराटे की बात की जाए तो जो डर है कराटे को लेकर डर है, मार्शल आर्ट को लेकर डर है, वो डरा ना जाए, सब लोग आए परफॉर्म करें। अगर आप मान लीजिए टेबल टेनिस सीखते हैं, आप स्क्वैश सीख रहे हैं, आप जो भी दूसरा गेम सीख रहे हैं, मुझे इतना पता है कि आज मैं इतनी कॉन्फिडेंटली बैठ के यहाँ बात कर रही हूँ, आज इतनी कॉन्फिडेंस से मैं चल सकती हूँ, मुझे डर नहीं लगता सर, सच में मैं रात में भी निकल जाऊँगा तो मुझे डर नहीं लगता, वो कॉन्फिडेंस सच में कराटे आपको देगा। अगर बहुत सारी गर्ल्स हैं जिसको ऐसा लगता है कि उन्हें इस कॉन्फिडेंस की जरूरत है, प्लीज़ लर्न कराटे, नॉट ओनली कराटे, एनी मार्शल आर्ट, जो भी आपका एक मार्शल आर्ट सेगमेंट आपको मिले आप सीखें, आप चेस सीखे, आप कैरम सीखे, बट जो वो चीज़ सीखे जो आपको यहाँ स्ट्राइक कर रहा है, जो आपको यहाँ पे दे रहा है कि नहीं यार मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है, यू अंडरस्टैंड, तो आप ऐसी सारी चीज़ें सीखें जो आपको कॉन्फिडेंस बूस्टअप करती है। और रही बात के एक नॉर्मल पर्सन की कि मैं उसे क्या एक्सपेक्ट करती हूँ, मैं ये एक्सपेक्ट करूँगी कि आए परफॉर्म करें, अचीव करें। जो भी एक प्लेयर है जब वो आता है वो थोड़ा सा सीखता है फिर डाउन हो जाता है, जैसे क्रिकेट की बात हो रही थी, क्रिकेट में हर कोई धोनी नहीं है, हर कोई कोहली नहीं है, आने वाले टाइम में आई डोंट नो कौन क्या बनेगा। मुझे ऐसा लगता है कि कोहली आज हो गया, धोनी आज हो गया, आने वाले 5-10 साल में मुझे नहीं लगता दूसरा धोनी और कोहली बनने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि इनका अपना जोश था, क्योंकि वो डाउन टू अर्थ एक वैसी फैमिली से थे, वैसे बैकग्राउंड से थे कि उन्होंने देखी है सर मुसीबतें क्या होती है, मैंने देखी मुसीबतें क्या होती है। तो अगर किसी ने वो चीज़ देखा है ना तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छा अचीव करेगा। मैं नहीं चाहती कराटे में ही ओलंपिक मेडल है, मैं चाहती हूँ एनी स्पोर्ट्स बट ओलंपिक मेडल है। फीमेल एक्सपेक्ट कर रही हूँ, प्लीज तो बात करो, नॉट बिकॉज ऑफ कराटे बट जस्ट बिकॉज़ कराटे। जस्ट मेरी साइड से एक क्वेश्चन है, सॉरी मैं मेरा क्वेश्चन है, मैं अपनी बेटी के लिए क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। मेरी एक 10 साल की बेटी है, अब ये तय नहीं है कि उसको क्या कराना है, किस तरह का कोर्स ले जाना है उसको, तो मेरा क्वेश्चन ये है मैम कि आज भी इंडिया में ट्रेडिशनल कोर्सेज जो हैं, जो सेफ कोर्सेज हैं, उनमें ही लड़कियों को भेजा जाता है, डॉक्टर्स इंजीनियर्स या एडवोकेट वगैरह। आप स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हैं, आपको क्या लगता है कि स्पोर्ट्स में ऐसा क्या है जो इन सेफ फील्ड से बेहतर है, जो स्पोर्ट्स की तरफ खींच सकता है? अच्छा ओके, मैं एक चीज़ बताती हूँ जो मुझे सबसे अच्छी लगती है पर्सनली। अगर कोई एक पर्सन है मैं उसको बोलूँ इसने ये अचीव किया हुआ है, इसने
आप लोग कब मानेंगे उसको देखेंगे, राइट? सबसे पहले देखेंगे, अगर वो बंदा दिखने में लगता है क्या यार एक्चुअली इसने अचीव किया होगा, अगर ये फीलिंग आ रही है सच में इसने अचीव किया है तो वो एक्चुअली अचीवमेंट नहीं है। आपका फिजिकली रिप्रेजेंटेशन अगर उस लेवल का है तब मानिएगा कि आपने वाकई वो अचीव किया है। तो जब इंसान चल रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, वही पर्सनैलिटी अपना रिफ्लेक्शन दे रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है स्पोर्ट्स एक वो रिफ्लेक्शन लाने में हेल्प करता है। तो आप पढ़ाई में भी बहुत सारे चीज़ों को देखेंगे, बहुत सारे डॉक्टर्स देखेंगे, मैंने भी बहुत से डॉक्टर्स देखे फॉरेन में, जिनकी पर्सनैलिटी देख कर लगता है कि वो हाँ जो बोला है, जो मैंने इनके बारे में सुना है एक्चुअली वो बंदा होगा। आपने बहुत कुछ अचीव किया है, लेकिन अचीव करने से पहले फेलियर्स भी आए होंगे, डिसअपॉइंटमेंट भी आए होंगे, तो मैम एज अ स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी आप कैसे उन फेलियर्स और डिसअपॉइंटमेंट्स को हैंडल करती हैं, एंड हाउ वुड यू व्हाट वुड बी योर सजेशन टू हैंडल? मैं जस्ट अभी बोला, जब मैं अप जाता है ग्राफ तब मैं ये सोचती हूँ उसको और अच्छा करना है, जब डाउन जाती हूँ तो जो अप ग्राफ जितना है उसको देख लेती हूँ, सेटिस्फाइड होती हूँ, नहीं कुछ है मेरे पास, उसको ग्रो करना है, दैट्स इट, दैट्स इट। अच्छा आपने कराटे से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है अगर कुछ वैसे? अच्छा मुझसे एक बार किसी ने पूछा था, मैं दादरा लेक यूनिवर्सिटी की बात कर रही हूँ, बच्चों ने मुझसे पूछा मैम आजकल बड़ा एडिक्शन हो गया इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को लेकर, ठीक है? तो मैंने कहा यार करूँ ना, किसने मना किया है, अगर आपको इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप किक देता है, चेयर अप करता है, कम ऑन यूज इट। अगर आपको लगता है आप 10 घंटे इंस्टाग्राम चला कर अपना जो परफॉर्मेंस देना है वो दे सकते हो, जो अचीव करना है कर सकते हो, तो प्लीज़ गो अहेड। जो चीज़ खुशी देती है ना तो सिंपली यू अब करो उसको। तो ऐसा कोई क्वेश्चन भी है तो प्लीज कर लीजिए। खून वून निकलेगा, पेनल्टी मिलेगी, नाम खराब होगा, बाहर मारो